बिग बॉस 17 स्टार्ट हो चुका है। मनारा चोपड़ा की फर्स्ट एंट्री हुई है। फर्स्ट एंट्री यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनके इनके लिए जो है पार्शलिटी की गई है। वैसे तो इन्होंने बोला कि हम तो डंके की चोट पे पार्शलिटी भी करेंगे, बायस्ड भी होगा बिग बॉस ने। अब जो है जनता को चैलेंज दे दिया है। जनता भी ऐसे वैसी नहीं है भाई, जनता भी चैलेंज एक्सेप्ट करेगी और फिर ऐसी ऐसी गलतियां निकालेगी ना कि बिग बॉस फिर दोबारा से, फिर जब सीजन आएगा तब बिग बॉस बोलेंगे कि जब मैंने ऐसा बोला तब फिर आप लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। अब जो है जब मतलब कि मनारा चोपड़ा जो आई हैं, ये मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कि अब बहुत बनावटी लग रही है। बोली हाँ सर, हाँ मैं थोड़ी सी मोड़ी हूँ सर, हाँ मैं ऐसा हूँ सर। वो क्या होता है कभी कभी बोलने का मन करता बहुत सारा, फिर करता कि मैं क्यों ही बोलूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बन रही है, जैसे कि छोटी सी बेबी हो और अपने आप को हॉट बोल रही है। वैसे लोगों ने इसका प्रोमो देखने के बाद बोला था कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है। अभी इनकी जो है इनकी क्वालिटी की वजह से इनको बिग बॉस 17 में बुलाया गया है। पर मैं तो भाई यही बात बोलूँगी कि ये चोपड़ा परिवार से हैं, इसीलिए ये यहाँ पर बिग बॉस 17 के मंच पे दिखाई दे रही हैं। नहीं तो मैं नहीं होती वहाँ पर, नहीं तो आप में से कोई नहीं होता वहाँ पर। अगर एक्चुअली में क्या आप में टैलेंट नहीं है, क्या मुझ में टैलेंट नहीं है? बहुत ही ज़्यादा बन रही है और बहुत ही ज़्यादा फेक। अभी तो स्टार्टिंग में सब लोग फेक बनेंगे ही, पर मुझे बहुत ज़्यादा ही फेक लगी है। रियल पर्सनालिटी मुझे इसमें नहीं दिखी, इसका रूप कुछ और निकलने वाला है। मतलब कि बहुत ही अलग। अभी कोई दिल मत दे के बैठ जाना भाई, लाल साड़ी देख के हाय कितनी हॉट है दिल दे दो, ना ना ना, सही सोच समझ के दिल देना। कौन से कंटेस्टेंट को दिल देना, सपोर्ट करनी है, ठीक है ना। अभी आपको कैसी लगी है फर्स्ट कंटेस्टेंट, आप बताइए। मुझे कैसी लगी है मैंने बता दिया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।